नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किशोर टिकटॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का होम ब्रांच कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी आपका जो होम ब्रांच है वो किसी शहर में था और आप वो चेंज करना चाहते हो, मान लीजिए आप दूसरा जगह शिफ्ट हो गए और आप होम ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज कर सकते हो, और मान लीजिए पहले आपके शहर में कोटक महिंद्रा बैंक उपस्थित नहीं था और आपने कहीं दूसरे शहर का पिन कोड वगैरह दे करके अकाउंट खोल लिया और आपका ब्रांच अब उस शहर में है और अब आपके शहर में कोटक महिंद्रा बैंक आ गया है, तो आप चाहते हो कि जो आपके नज़दीक में जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसको वो ब्रांच आपका हो जाए आपके अकाउंट का, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि अपना होम ब्रांच कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का अभी ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके फ़ोन में कोटक ऐप होना चाहिए। कोटक ऐप अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें लॉगिन आप CRN नंबर के ज़रिए कर सकते हैं जो आपके ATM कार्ड पे भी लिखा होता है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में ही लगा होना चाहिए, तो इस ऐप में आप आराम से लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद ये MPIN मांगेगा जिससे कि आप ऐप ओपन करते हो, तो मेरा MPIN मुझे पता है तो मैं डाल लेता हूँ, आप अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद ऐप खुलेगा तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो नीचे लिखा हुआ है माई कोटक अप्लाई नाउ क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दिख रहा है अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चेंज होम ब्रांच, मतलब आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो आपको चेंज होम ब्रांच पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है CRN ऑल अकाउंट अंडर द CRN, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका CRN नंबर वगैरह आ जाएगा, करेंट होम ब्रांच आ जाएगा। अब नीचे बोलेगा एंटर पिन कोड, पिन कोड मतलब कि मान लीजिए पहले मेरा जो गुड़गांव में ब्रांच था लेकिन अब मैं गांव में रहने लगा हूं, तो आपको यहां पर पिन कोड डालना पड़ेगा। आप अगर गांव का पिन कोड डालोगे तो हो सकता है कि आपको यहां पर ना मिले, तो आपको आपके नज़दीक में जो शहर है उसका पिन कोड डालोगे तो मिल जाएगा। जैसे मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ, अगर मैं अपने गाँव का पिन कोड डालता हूँ तो यहाँ पर ब्रांच नॉट अवेलेबल बताएगा, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर शहर का पिन कोड डालूँगा तो ब्रांच आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको पिन कोड डाल के दिखाता हूँ। तो देखिए मुजफ्फरपुर में दो ब्रांच है कोटक महिंद्रा बैंक का, और ये है एक है जय हिंद कॉम्प्लेक्स गोबरसही और एक है मोदी हाउस जवाहरलाल रोड छोटी सरैयागंज। तो इसमें जो मेरे नज़दीक में आता है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मेरा जो है वो सरैयागंज वाला नज़दीक पड़ता है, तो इस पर क्लिक करके और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो कंफर्म करेंगे तो मेरा जो ब्रांच है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं गुड़गांव में भी रहता हूँ और ज़्यादातर मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, इसलिए मेरा ब्रांच गुड़गांव में ही ठीक है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और कंफर्म करेंगे तो ये ब्रांच जो है वो चेंज हो जाएगा, और इसको चेंज होने में 24 घंटा से लेकर के 7 दिन लगेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट का होम ब्रांच है वो चेंज कर सकते हो, और पहले आपका किसी और शहर में था, अब आप किसी और शहर में रह रहे हो तो वहाँ का जो कोटक महिंद्रा का ब्रांच है वो आपका ब्रांच हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।